देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कृषकों और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की, उन्हें सुविधा संपन्न बनाया तो उन्हें नई तकनीक से जोड़ दिया। सन 2014 तक भारत उर्वरक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। फिर मोदी सरकार ने अपनी नई निवेश नीतियों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और राष्ट्र को उर्वरक आत्मनिर्भरता दिलाने के उद्देश्य से 45,000 करोड़ के निवेश के साथ वर्षों से बंद खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2018 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की सिंदरी इकाई की आधारशिला रखी। 700 एकड़ भूमि पर बना 12,70,000 मेट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन करने की क्षमता वाला ये खाद कारखाना अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता में प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया, 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, इस खाद कारखाने से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार आदि निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की मांग पूरी होगी। इस कारखाने के फिर से चालू हो जाने से हजारों नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी प्लांट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं।